कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई के विषय को लेकर 1 अप्रैल यानी शनिवार को आरोप लगाया कि समस्या के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है, जो इतिहास की सबसे नाकारा सरकार है। उन्होंने ये दावा किया है कि मौजूदा समय में विपक्ष और जनता से पूछे बिना मनमाने ढंग से फैसले हो रहे हैं, जो तानाशाही की किताब का पहला पन्ना है। दरअसल अभी तो राहुल गांधी का वीर सावरकर और लोकतंत्र कमजोर होने वाले बयानों के मसले थमे ही नहीं थे कि राहुल गांधी का अब एक और बयान चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, राहुल गांधी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि महंगाई आज भारत की सबसे जटिल समस्याओं में से एक, इसकी जिम्मेदार भारत के इतिहास की सबसे नाकारा सरकार। दरअसल राहुल गांधी ने सब मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है। साथ ही दवाइयों की कीमतें इस साल फिर से चुपचाप करीब 11% से ज्यादा बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का खर्च आसमान छूता जा रहा है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि ये सारे जरूरी खर्च हैं, आम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। जहां सरकार को इन्हें धीरे धीरे निःशुल्क करने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं वो उसे और महंगा करती जा रही है। ऊपर से बेरोजगारी, सुस्त अर्थव्यवस्था के कारण नौकरी पेशा लोगों की आमदनी ना बढ़ना और उनके ऊपर महंगाई की मार, किस्तें बढ़ती जा रही हैं, कर्ज लेकर चुकाना और अपने घर के खर्च चलाने की जद्दोजहद में हर परिवार की जिंदगी फंसी हुई है। साथ ही राहुल गांधी के इस बयान से कई लोग सहमत होते हुए भी दिखे। हाल ही में CMIE की रिपोर्ट में भी समाज में बढ़ रही बेरोजगारी के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती हुई दिखी और सबसे ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ और हरियाणा से हैं, जिसके पीछे की वजह ठीक शिक्षा प्रणाली का ना होना है।